Hello students, this video is for class 8, subject mathematics and chapter number 5, algebraic expression. This main topic chalega addition of algebraic expression. एड कैसे करते हैं? तो एग्जांपल ये लेता हूँ, जैसे a माइनस b प्लस a b, एक ये सेकंड है b माइनस c प्लस b c, थर्ड है c माइनस a प्लस a c. इनको क्या कहना है? एड करना है आपको. तो तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, a माइनस b प्लस a b ब्रैकेट b माइनस c प्लस b c, और बीच में प्लस लगेगा आपके, प्लस c माइनस a प्लस a c. ठीक है, अब तीनों को ऐड करते हैं. a माइनस b प्लस a b प्लस b माइनस c प्लस b c प्लस c देखो आप नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव का आप देखो, ए पॉजिटिव है इधर, ए नेगेटिव है तो ए से ए हट जाएगा, इधर बी नेगेटिव है इधर बी पॉजिटिव है ये बी से सी हट गया, इधर सी नेगेटिव सी पॉजिटिव, क्या बचा? ये सब जीरो जीरो हो गया, बचा क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा. इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं. ठीक है, सिंपल सिंपली ऐड करना है. आगे इसमें एक्सरसाइज 5.2 इसका एक सबट्रैक्शन भी बता देता हूं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. यहां पर लिख देते हैं सबट्रैक्शन, इसी का बता रहा हूं सबट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे कर देते हैं. अब पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देते हैं, केवल नेगेटिव साइन लगाना है. और ये तीन है इनको दो करना है, चलो दूसरा लेते हैं. नेगेटिव में दो ही प्लस चाहिए, पॉजिटिव में भी तीन लगा सकते हैं. इसी का एग्जांपल मिलते हैं 6/5 a स्क्वायर माइनस 4/5 a क्यूब प्लस 3/2 a प्लस 5/6 फ्रॉम कितने करना है? a क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 a स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/5 a. इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से. तो क्या लेंगे पहले? a क्यूब वाला आएगा, a क्यूब माइनस 5/2 a स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/5 a, और माइनस करना है इस वाले को, फर्स्ट वाले को सब माइनस करना है. तो 6/5 a स्क्वायर माइनस 4/5 a क्यूब प्लस 3/2 a प्लस 5/6. अब ब्रैकेट को हटाना है, जैसे लिखेंगे सिंपल a क्यूब y 3 माइनस 5/2 a स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 3/5 a माइनस. अब ये माइनस से इसमें ये माइनस हो जाएगा 6/5 a स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस होकर प्लस हो जाएगा 4/5 a क्यूब. ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ए क्यूब और ए क्यूब वाले टर्म हो, ये ए क्यूब है और एक ये जो ए क्यूब वाला है, तो दोनों को एक साथ कर लो। ए क्यूब बाई थ्री प्लस फोर अपॉन फाइव ए क्यूब, ये भी हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर वाले लो, ए स्क्वायर एक ये है और ये है, दोनों माइनस माइनस के हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं, माइनस फाइव बाई टू ए स्क्वायर और कहाँ है सिक्स अपॉन फाइव, माइनस सिक्स अपॉन फाइव ए स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, फिर ए वाले को थ्री अपॉन फाइव ए प्लस थ्री बाई टू ए और प्लस वन बाई फोर माइनस फाइव बाई सिक्स, इस तरह से ये आपको मिल जाएंगे। आगे इसको सॉल्व करके जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। इस तरह से ये माइनस वाले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्लस और माइनस वाली एक साइड पर साइड पॉइंट टू है, इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, ऐड करना है दोनों को, तीन है, वन टू थ्री, थ्री टर्म साइड की लोग ऐड कर लेंगे। आगे सब्ट्रैक्ट करना है तो किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने टू गेट इतना, इतने में से क्या घटाएंगे हमें इतना मिल जाए, तो जो मिलेगा उसमें से इसको घटा देंगे। तो लास्ट वाला 4x² + 5x² - 6z² + 7 में से 3x² - 4y² - 5z² - 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप 3 और 5  7 ये कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट आए आपकी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।